ये वायलेंस नहीं है भाभी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। यस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट डे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ किसी का भाई किसी की जान मूवी और सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है और क्या है। तो बता दें फर्स्ट डे का ऑफिशियल फिगर जो आया है इंडिया का 15.81 करोड़, तो ये सलमान खान के स्टैंडर्ड से कम है, बट अगर हम प्री ईद फैक्टर कंसिडर करें और कोई और मूवी के लिए उसके हिसाब से एक डिसेंट कलेक्शन बताया जाएगा जो कि इंडिया से निकल के आ रहा है। अब सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे पर जो बुकिंग है इनिशियल फर्स्ट हाफ की, उसमें 35% का ग्रोथ है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये लाइन पे ग्रोथ और बढ़ेगा, इवनिंग में क्राउड और ऐड होता है, नाइट का क्राउड ऐड होता है, तो जो सेकेंड डे के कलेक्शन के एस्टीमेट है वो एक्सपेक्टेड है 22 to 25 करोड़, और अगर नाइट की लेट नाइट बुकिंग अच्छी होगी तो ये 25 to 30 के बीच में भी ये नंबर्स आ सकते हैं। तो ये वीकेंड की बात करें तो संडे है, संडे का भी जो चीज़ है और मूवी को जो फैंस है वो तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जैसा कि सलमान खान फैंस सलमान खान को एंजॉय करने जाते हैं, और बाकी जो पब्लिक ऑडियंस है उसमें मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो एक फैमिली एंटरटेनर है तो उस तरीके की एंजॉयमेंट मिलेंगी, और फैंस ने तो अपना पार्ट कर ही रहे हैं और सब लोग मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं मूवीज़ को और जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं सलमान खान को बिग पर्दे पे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।